देखिए मेरा स्कूल देख लीजिए, आप लोगों को भरोसा नहीं हो रहा होगा। ये देखिए यहाँ पे है इसका इनका स्कूल। तो गाइस ये देखिए, ये आखिरी लकड़ी बचा हुआ है और एक लंबा से छोटा सा बचा हुआ है। हम लोग का लकड़ी खत्म। आज साड़ी में फाड़ रही है। लीजिए ना, लीजिए लीजिए। बहुत देर से बैठी हुई है, बहुत देर से यहाँ पे एक दादी माँ बैठी हुई है, कुछ बोल ही नहीं रही थी। चुनू चुनू मेहमान आए हुए हैं चार गो, आप लोग देख सकते हैं, उससे हम लोग खेल रहे हैं। एक ना फिर से दीपक महेश्वरी ब्लॉग्स में, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। तो गाइस देख सकते हैं इधर हम लोग अभी सुबह में गुड मॉर्निंग देखे कहीं और पे आके कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? इनका स्कूल के पास आए हुए हैं। स्कूल के पास, तो हम स्कूल से भी निकल चुके हैं, चार्जर भी लेके आए हैं। आप लोग देख सकते हैं गांव में कल से लाइट नहीं है। कल से पूरा एकदम आंधी आया, बारिश आया, पता है। कल वीडियोस भी नहीं आया, ठीक है, कल वीडियोस नहीं आया, उसके लिए सॉरी गाइस। हम लोग ना नहीं छोड़ना चाहते, हम लोग डेली अपडेट देना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम हो जाता है। गाँव में ना नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है और बारिश आ जाता है, उसके कारण लाइट नहीं देता है। तो हम यहाँ अक्सर, हम यहाँ एक दुकान है वहाँ पे हम देते थे, रिचार्ज करवाते थे, तो वहीं पे भैया से करवाया। देखिए चार्जर लेके आया था, हम सोचे थे ना गाइस, हाँ इधर लाइट है, इधर का कनेक्शन उधर का कनेक्शन अलग है। देखिए अब क्या होता है, सर बोले कि रिजल्ट आएगा उसके बाद आना। तो अभी देखिए मेरा स्कूल देख लीजिए, आप लोगों को भरोसा नहीं हो रहा होगा। ये देखिए यहाँ पे है इसका इनका स्कूल। देखिए बच्चा लोग घूम रहा है पूरा। हमको सर बोले कि आप जा सकते हैं और आप रिजल्ट लेने आइएगा, में बीच में आते रहना है हमको। तो चलिए बहुत अच्छी बात है, सर लोग सारे, मेरे सारे टीचर इतने अच्छे हैं कि मेरा बहुत मदद कर, सारे टीचर्स इतने अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं सारे मेरे टीचर्स। पता नहीं कोई स्कूल में ऐसा हो या ना हो, पर घाघरा स्कूल के मेरे सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं। तो चलिए रिजल्ट लेने आएंगे, फिर देखते हैं फर्स्ट आए या सेकेंड आए या थर्ड आए, वो तो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। तो हम लोग सोच रहे गाइस कि बेड हो जाए, कहे कि हम लोग का क्या आने वाला है, हम लोग ओ मतलब होली आने वाला है ना, तो होली आने वाला है, तो सारा शॉपिंग जो है करेंगे कुछ, और हम लोग गाना भी निकालने वाले हैं, तो उसके लिए हमको चिली पूरा वो सब लेना है, तो हम लोग जाना पड़ेगा, है ना। तो गाइस चलिए अब ज़्यादा देर नहीं करेंगे, अब हम लोग निकलेंगे। और आजकल बारिश आने का मौसम रहता है एकदम तुरंत, दोपहर तक में अभी भी तो बारिश आएगा लग रहा है, काला काला करके धूप है ये नहीं, दो तीन दिन से धूप नहीं है, धूप नहीं है और तुरंत बारिश आ जाता है, इतना खराब बिजली कड़कता है ना, डर लगता है। तो हम लोग को जल्दी आना पड़ेगा, तो चलिए निकलते हैं। तो गाइस देखिए बेड़ो आ गए हैं और आज तो बेड़ो पूरा खाली खाली है, बाजार नहीं है। देखिए फिर भी कोई कोई कुछ कुछ बेच रहा है, तो हम लोग बेड़ो आ गए हैं अभी और बेड़ो में कोई नहीं है अभी, क्योंकि बेड़ो में हम लोग को क्या दिखा, क्या बोलते उसको, टमटम टमटम बोलते हैं घोड़ा। तो गाइस देखिए अभी ज्वेलरी का दुकान में आए हैं, इनके लिए कुछ लेना है। जैसे कि आप लोगों को पता है अभी सॉन्ग निकलने वाला है ना, तो उसके लिए कुछ है ना, गजरा सब में लगता है, आदिवासी डांस में, तो पता है आप लोगों को क्या क्या पहनना पड़ता है, तो वो सब लेने के लिए आए। तो देखते हैं इनको यहाँ से अगर मिलता है तो लेंगे, वरना बहुत सारा दुकान है। तो आज बेड़ो आए हैं तो सब कुछ यहीं से लेते जाएंगे। तो देखिए गाइस वहाँ से आ गए इधर हम लोग टमाटर लेने, क्योंकि टमाटर ख़त्म हो गया है, तो अभी और दो चार दिन रहेंगे ना, टमाटर के बिना तो सब्जी खाने में फिर मज़ा ही नहीं आएगा ना दादी, तो इसलिए टमाटर ले रहे हैं। कैसे केजी बोले, 30 रुपया ना, 30 रुपया केजी। दादी का टमाटर पूरा दादी जैसा दिख रहा है, लाल लाल ले रहे हैं हम लोग, चुका है। अब देखते हैं और कुछ सामान है तो ले लेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे बेड़ो मंदिर तरफ, आराम से बैठ के खाएंगे वहाँ। देखिए ना दादी क्या बोल रही है, मोटी हो जाएंगे, आशीर्वाद लग जाएगा तो जरूर हो जाएंगे। तो गाइस आ गए हम लोग बेड़ो मंदिर के पास में, और इधर अभी क्या है ना कि दोपहर का टाइम भी नहीं है, तो बहुत अच्छा धूप है, हल्का फुल्का धूप है, आधा छाया भी है, आराम कर रहे हैं। सबसे अच्छा बेड़ो में अगर कहीं आराम करने का जगह आप लोग को चाहिए ना, तो यहाँ पे आ जाइए, आराम से एकदम आराम कीजिए। तो अभी हम लोग केला निकालते हैं, पापा देखेंगे वीडियो फिर कमेंट करेंगे कि पैसा खर्च हो रहा है। थोड़ा सा केला लिए हैं, नहीं वो कम में दे रही थी ना, इसीलिए ले लिया, ज्यादा दाम नहीं लिया, हल्का थोड़ा सा बस लिया। लीजिए ना, लीजिए लीजिए। बहुत देर से बैठी हुई है, बहुत देर से यहाँ पे एक दादी माँ बैठी हुई है, कुछ बोल ही नहीं रही थी, फिर पूछे कि आप केला खाइएगा, पैर में भी कुछ नहीं पहनी है, देख रहे हैं
तो फिर केला खाइएगा बोले तो हाँ बोली इसलिए दे दिए। अब पैदल आए हैं, कहाँ रहते हैं आप? केला खा के बताइए तो कैसा लग रहा है? पता नहीं, हम तो ये कॉलेज तो आते नहीं है। अभी थोड़ा देर पहले वो दो ठो बकरी देख रहे ना, बहुत बदमाश बकरी है, वो लोग को तो छोड़ेंगे नहीं। अभी केला रखे थे यहाँ से, एक चुरा के ले गया। स्वीट्स बनाना है यहाँ पे, अच्छा लगता है। तो यहाँ आने के बाद हम रील्स भी बनाए और यहाँ पे बैठे और बहुत अच्छा लगा। तो गाइस यहाँ पे बैठ के बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया यहाँ पे। पहले का बात याद आ जाता है तो और अच्छा लगता है। और यहाँ पे रील्स भी बनाए और अभी हम लोग जाएंगे, जो चीज हम लोग को लेना था वो चीज भी ले लिए, यहाँ पे बैट भी लिए और अभी हम लोग को गांव निकलना चाहिए। गांव जाएंगे, गांव में भी काम है अभी थोड़ा सा, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, ठीक है? फिर आप लोग को फिर दिखाएंगे। तो चलिए पहले घर निकलते हैं। देखिए यही रोड है, ठीक है? यहाँ पे 3 जून का मेला लगता है और यहाँ पे एक मंदिर है, आप लोग को दिखाया थे पहले भी और अभी भी दिखा देंगे। चलिए तो देखिए ये रहा बजरंग बली का मंदिर, प्यारा। यहाँ पे काम चल रहा था गाइस, तभी भयानक काम चल रहा था। अभी तो कुछ नहीं चल रहा है, तभी भयानक काम चल रहा था यहाँ पे। अभी सारा कोई कहाँ कहाँ चले गए, यहाँ पे 3 जून का मेला लगता है इसीलिए शायद यहाँ पे पूरा साफ किया जा रहा है। और कहाँ तक भीड़ लगता है? तो गाइस पूरा भीड़ लगता है, हम लोग तो इस बार आएंगे और पूरा मस्ती करेंगे ना, पूरा इस बार आएंगे गाइस। इस आ गए बेड़ों से इधर खिरदा भट्टी, और बेड़ों में तो आप लोगों को पता है गुलगुला सब नहीं मिलता है, तो यहाँ पे मिलता है हम लोग के यहाँ खिरदा भट्टी में। खिरदा भट्टी में गर्मा गर्म बनाया जाता है, नहीं डाल देते। तो हम लोग अभी ये ले रही है सेव, इनका फेवरेट सेव, सेव बुंदिया, बुंदिया जिससे खाती है, और हम खा रहे हैं पकौड़ी, वो भी गर्मा गर्म बना हुआ है पकौड़ी हरा मिर्चा के साथ। लड़की वाले चप्पल पहने दादू, लड़की वाला चप्पल पहने ऐसे वाले चप्पल। देखिए गाइस इधर बहुत बड़ा बड़ा बस चलता है। देखिए पहले यहाँ पतला सा रोड था और यहाँ पे बरगद का पेड़ था, उसको काट दिया। तो गाइस खा लिए और बहुत अच्छा लगा, मिर्चा खत्म हो गया था लेकिन आंटी को जीत किए तो फिर 2 मिर्चा मेरे लिए ला दी, बहुत अच्छा लगा खाने में। कच्चा मिर्चा चाहिए जाए, खाना खाए या कुछ भी करे, देख रहे कैसे धूल उठता रहता है पूरा, बहुत भयानक। तो अब चलिए, अब हम लोग चलते हैं घर। दिखा दो, बच्चा लोग है ना कि कुछ खाने के लिए मांगेगा तो फिर उनके लिए ले जाएगी, हमको लगा था लेकिन ये तो खा के खत्म कर दी। तो चलिए घर चलते हैं, उसके बाद आप लोगों को घर में घर का हालत दिखाते हैं आप लोगों को। तो गाइस देखिए हम लोग पहुँच गए हैं और फिर से मौसम कर दिया, कल पानी आने जैसा। रंजनी देखिए झाड़ू लगा रही है आंगन को। तो गाइस अभी हम लोग का फिर से लकड़ी खत्म हो गया, तो हम लोग फिर से जाएंगे मैं तुमको खा जाऊं। चलो एक साथ बोलना, ठीक है? 1 2 3 मैं तुमको खा जाऊंगा। हाँ बुला रही है। तो गाइस अभी जाएंगे हम लोग लकड़ी काटने, क्योंकि लकड़ी खत्म हो गया है और बारिश आने जैसा मौसम किया है। तो गाइस ये देखिए, ये आखिरी लकड़ी बचा हुआ है और एक लंबा से छोटा सा बचा हुआ है, हम लोग का लकड़ी खत्म हो गया, सोचे थे होली तक चलेगा लेकिन खत्म हो गया। तो देखिए आज लकड़ी हम फाड़ेंगे, और ये थोड़ा सा चौड़ा था चूल्हा में ना, घुस नहीं रहा था इसलिए, चूल्हा एकदम छोटा सा है तो नहीं आ रहा है, तो इसको और हम छोटा कर देंगे। क्या चीज का लकड़ी है ये? आम है, आम नहीं है, इसको क्या बोलते हैं पता नहीं, हमको लकड़ी को पहचान करने नहीं आता है।
प्लीज। आज साड़ी में फाड़ रही है ए। क्या बोलना है बोलो। तो गाइस हम लोग का लकड़ी फाड़ चुका है। हम लोग आके बेड़ो से आके बहुत सारा काम किए, लकड़ी फाड़े, अब जा रही है मोमबत्ती लेने, क्योंकि मोमबत्ती यहाँ लेना बहुत जरूरी है क्योंकि बारिश होने जैसा किया है मौसम, और यहाँ लाइट नहीं दे रहा है, लाइट कट कर दिया है। मैं तुमको हाथ कहाँ गया? इतना बदमाश है, सबसे बदमाश को भैया सिखाए थे। हम सिखाए थे। मैं आपको जाऊंगा। उसको भैया सिखाए थे। तो गाइस अभी चलेंगे हम लोग क्या लेने? इतना परेशान करता है ना ये लोग, बहुत। अभी हम लोग क्या लेने जाएंगे? आवाज आवाज बंद, आवाज बंद कर। अभी हम लोग क्या लेने जाएंगे? मोमबत्ती लेने। गाइस लकड़ी फाड़ चुके हैं और अंदर भी कर दिए, और हम लोग का घर में चुनू चुनू मेहमान आए हुए हैं, चार गो आप लोग देख सकते हैं, उससे हम लोग खेल रहे हैं। एक ना काला है और तीन को गोलू गोलू, एक मम्मी जैसा है ना। हाँ, एक चुन, इसको देखिए ना कितना प्यारा है, हाथ में करके छोया है रे। इसकी मम्मी गई है खाना ढूंढने, अभी खाना ढूंढ के आएगी। एक को हाथ में चार गो अट जाता है, आप लोग को देखिए देखिए चिल्लाने लगेगी। तो अभी बारिश आने जैसा कर रहा है और लाइन कटा हुआ है। ये बर्गर पिज्जा है लोग, तो अभी कभी लाइट कटा हुआ है। तो गाइस पानी आने जैसा कर रहा है और लाइट कटा हुआ है, तो आज का ब्लॉग हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर ब्लॉग करते होंगे कि ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सभी को बाय 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 बाय।